नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी इशिका। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश विदेश के उन हलचलों के बारे में बताने वाले हैं जो दिन भर सुर्खियां बनने वाली हैं। बिल्कुल, दिन भर सुर्खियां तो बनेंगी इसके साथ ही। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आज की ताजा खबरें क्या कुछ है और कौन सी खबर आपके काम की, आपके सरोकार की है। सबसे पहले संक्षेप में उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिस पर पूरे दिन राजनीतिक हलचल रहने वाली है। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जशपुर की। जशपुर में हाथी के हमले से 4 लोगों की मौत हो गई है। हाथी ने घर में घुसकर लोगों पर हमला किया है। घर में सो रहे 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस खबर पर आपको पूरी जानकारी देंगे। बिल्कुल, और बात मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी करेंगे। आज टीकमगढ़ और ग्वालियर का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दौरा करेंगे। इसके साथ ही सीएम आज लाडली बहनों के खाते में राशि डालेंगे, महिलाओं से राखी भी बंधवाएंगे। साक्षी, बिल्कुल, और बात करेंगे SC ST रिजर्वेशन पर। केंद्र ने, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला। अश्विनी वैष्णव बोले हैं कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आज भी जारी रह सकता है बारिश का दौर। उत्तराखंड, असम में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो वहीं ब्राजील में दिल दहला देने वाला विमान हादसा हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से यहां पर 17,000 फीट से नीचे आगरा प्लेन 4 क्रू मेंबर समेत 62 यात्रियों के मारे जाने की आशंका भी है। इसके अलावा अन्य बड़ी खबरों को लेकर भी करेंगे चर्चा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की ताजा खबर। और चलिए आपको इन खबरों को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं ताकि आप पूरी खबर से वाकिफ हो सके और आपको डिटेल में जानकारी मिल जाए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में टॉप 10 खबरें। जशपुर में हाथी के हमले से 4 लोगों की मौत। हाथी ने घर में घुसकर किया लोगों पर हमला। घर में सो रहे 4 लोगों को उतारा मौत के घाट। वन विभाग ने दबे हुए मिट्टी में शवों को निकाला बाहर। आज टीकमगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाडली बहनों के खाते में डालेंगे राशि, महिलाओं से बनवाएंगे राखी। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को दिए गए जिलों के प्रभार। डिप्टी सीएम साव को, कांकेर शर्मा को बस्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई। ब्रजमोहन के इस्तीफे के बाद जारी हुआ नया आदेश। SC ST रिजर्वेशन पर केंद्र ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कैबिनेट की बैठक में फैसला। अश्विनी वैष्णव बोले संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का आज केरल दौरा। वायनाड के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से भी करेंगे मुलाकात। MP के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। ग्वालियर, सागर, भोपाल में बारिश का अलर्ट जारी। रीवा, सागर, शहडोल में भी बारिश का अलर्ट। ब्राजील में दिल दहला देने वाला विमान हादसा। तकनीकी खराबी की वजह से 17,000 फीट से नीचे आ गिरा प्लेन। 4 क्रू मेंबर्स समेत 62 यात्रियों के मारे जाने की आशंका। इसराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन। सिडोन शहर में एयर स्ट्राइक में हमास आतंकी के मारे जाने का है दावा। दक्षिण लेबनान में भी गिराए गए बम। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर नहीं थम रहे हमले। जानमाल की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मुस्लिम कट्टरपंथियों से जान बचाने की गुहार लगा रहे। पेरिस ओलंपिक के समापन में ध्वजवाहक होंगे मनु भाकर और PR श्रीजेश। भारतीय ओलंपिक संघ ने ट्वीट कर दी जानकारी। 11 अगस्त को होगा समापन समारोह। और चलिए खबरों को